शिप, लिसन टू मी यार। अरे बात तो सुनो यार। क्या बात सुनूं? क्या सुनूं तुम्हारी? यही कि कुत्सिया एक बहुत अच्छी लड़की है, यही कि वो मेरे भाई की बीवी है, इसलिए उसको हम उस घर में एक्सेप्ट कर ले। यार, तुम्हें हो क्या गया? कहीं तुमने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा इसलिए तो नहीं किया कि मैं उस कुत्सिया को उस घर में एडजस्ट होने दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो जनरली एक बात कर दी यार। तुमसे मिलने आई थी मैं यहाँ पे, तुम्हारे मुंह से कुत्सिया की तारीफें सुनने नहीं आई थी। वो लड़की एक नंबर की चोर है। औकात क्या है उसकी? हाँ, क्या औकात है उसकी? यही कि मेरा भाई उससे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा जब भाई का दिल उससे भर जाए, और वो ही भाई धक्के मार के उसे उस घर से निकालेंगे और अपनी जिंदगी से। भला मोहब्बत भी ऐसे लोगों से होती है? मोहब्बत तो बराबरी के लोगों से की जाती है। तुम कुत्से के नाम पे इतना हाइपर क्यों जाती हो? हाँ ठीक है, अगर वो तुम्हें इतनी ना पसंद है ना, तो नहीं लूंगा उसका नाम मैं। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा तुमसे दिल भर जाएगा या तुम्हारा मुझसे दिल भर जाएगा, और फिर हम दोनों में से कोई एक दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देगा? यही है ना तुम्हारी मोहब्बत की फिलॉसफी? बोलो अनुषे, यही है ना तुम्हारी मोहब्बत की फिलॉसफी? खामोश क्यों? जवाब दो, आंसर मी। रेहान, मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की बात नहीं कर रही। तुम मोहब्बत की बात कर रही थी अनुषे, और मोहब्बत अमीरी और गरीबी देख के नहीं की जाती, और ना ही खानदान और स्टेटस देख के की जाती है। ये तो बस हो जाती है। मोहब्बत इतनी भी आसान नहीं है रेहान, कि किसी भी मौसी के बेटे या बेटी से हो जाए।